हे गाइस, वेलकम टू द वीकली मूवी रिकमेंडेशंस विद संकेत। सो आज का मेरा पहला रिकमेंडेशन है ब्लैक क्लैंसमैन, को रिटन एंड डायरेक्टेड बाय स्पाइक ली, स्टारिंग जॉन डेविड वॉशिंगटन, एडम ड्राइवर, लॉरा हैरियर एंड टोफर ग्रेस। सो इस फिल्म में एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी कोलोराडो स्प्रिंग्स पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होता है, और ज्वाइन होने के बाद ही उसे एक आइडिया आता है कि कू क्लक्स क्लैन में ज्वाइन हुए। सो वो फ़ोन के थ्रू उनके लीडर्स के साथ बात करता था और उनके मीटिंग्स में एक वाइट ऑफिसर को भेजता था। सो ये एक फिल्म एक रियल इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, और इस फिल्म के थीम्स बहुत ही रेलेवेंट है इस टाइम में, लाइक रेसिज्म, वाइट सुप्रीमेसी, न्यू नाजिज़म। और ये एक फिल्म एक बहुत ही सीरियस फिल्म है, एज़ वेल एज़ कॉमेडी फिल्म भी है। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एंगेजिंग है, एक थ्रिलर स्कोर है। इस फिल्म का एंडिंग एक्चुअली एक स्पेशल मेंशन मांगता है, क्योंकि ये एक 1970s का स्टोरी है, और वो स्टोरी को 2017 में कनेक्ट करके बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्ट किया है, और एक स्मार्ट तरीके से कनेक्ट किया है। सो इस फिल्म का एंडिंग एक डिसीजन स्पाइक ली, डायरेक्टर स्पाइक ली का डिसीजन रहा है, क्योंकि उनको ये स्पेसिफिक एंडिंग रखना था, और ये एक बहुत ही लाइक ब्रिलियंट एंडिंग कहा जा सकता है, और वन ऑफ माय बेस्ट एंडिंग्स इन फिल्म्स है। और ये फिल्म एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है फॉर टुडेज जनरेशन एंड टुडेज टाइम। इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर कांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, एंड वहाँ पे इस फिल्म को सेकंड बेस्ट प्राइज़ मिला था, जो कि ग्रैंड प्रिक्स है, और आगे जाके इस फिल्म को 6 एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन भी मिला था, विनिंग 1 फॉर बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले। एंड इस फिल्म को आप डीवीडी में देख सकते हैं। सो मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है, एक्चुअली एक मूवी नहीं है लेकिन एक मिनी सीरीज़ है, कॉल्ड वेन दे सी अस, क्रिएटेड बाय, डायरेक्टेड एंड को रिटन बाय एवर डुवर्नी। सो ओपरा विनफ्री एंड रॉबर्ट डिनेरो ने इस सीरीज़ को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस भी किया था उनके सेपरेट बैनर्स पे। एंड सो इस सीरीज़ का प्लॉट ये है कि 5 अफ्रीकन अमेरिकन टीनेजर्स होते हैं, उनको एक सेंट्रल पार्क में रेप हुआ रहता है, उनके इंजाम में उनको पुलिस कस्टडी में डालते हैं। सो इस सीरीज़ के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मैंने इस सीरीज़ को पहली बार देखा था तभी मुझे ये सीरीज़ ने एंड तक एंगेज रखा था और मुझे एक सरप्राइज़ कर दिया था। दिस सीरीज़ शुक मी टू इट्स कोर। सो इस फिल्म के इस सीरीज़ के थीम्स आज तक रेलेवेंट है, लाइक पुलिस ब्रुटैलिटी, लाइक रेसिज्म, एंड अ स्पेशल मेंशन टू इट्स एक्टिंग, क्योंकि इस सीरीज़ में सबकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टॉप नॉच है। स्पेशली जेरोम जेरोम, जिन्होंने इस फिल्म इस सीरीज़ के एक्टिंग के लिए एक एमी अवार्ड भी जीता था फॉर आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर फॉर इन अ मिनी सीरीज़। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस सीरीज़ को 11 एमी नॉमिनेशन भी मिले थे, इंक्लूडिंग बेस्ट मिनी सीरीज़। सो इस मिनी सीरीज़ को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। सो आज के दोनों रिकमेंडेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और सभी लोगों को ये मूवीज़ और ये सीरीज़ देखने चाहिए टू स्टे रेलेवेंट एट टुडेज टाइम्स। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट टू एवरीवन, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है एंड दोनों रिकमेंडेशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।